अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी वेज मसाला खिचड़ी। बहुत ही आसान रेसिपी है, ट्राई करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देख लेते हैं इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। मैंने लिए हैं 2 कप चावल और 1.5 कप दाल ली है मैंने मसूर की। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, मटर है, गोभी है, बंद गाजर है जिसको मैंने कट कर लिया है। दाल और चावल मैंने मिक्स करके भिगो दिए हैं। प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं ज़ीरा। प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। जो वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। ये मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून है नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सब मसाले डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। 3 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें भून लेना है टमाटर के गलने तक। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने ताकि सब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। सब्जियां हमारी भुन चुकी हैं। मैंने चावल और दाल जो भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी ऐड कर दिया है मैंने। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट मैगी मसाला। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा लूँगी। बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी बनती है ये, ट्राई करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैंने प्रेशर कुकर की 2 सीटी लगाई थी। देखिए खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है बिल्कुल। आप इसे अचार या खिचड़ी के साथ सर्व करिए, बहुत ही मज़े की बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसे ट्राई करें तो। अल्लाह हाफिज़।